टाइगर 3 रिकॉर्ड तोड़ेगी पठान का। इस बार पठान और टाइगर मिलकर देंगे मिशन को अंजाम। इन दिनों सिनेमा घरों में सिर्फ और सिर्फ पठान फिल्म छाई हुई है। किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री बनाएगी। हालांकि सबको उम्मीद था कि ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी, लेकिन किसी ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचेगी, और पठान ने वो कर दिखाया है। पहले दिन 55 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो KGF चैप्टर 2, बाहुबली 2, वॉर और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से भी कई गुना ज्यादा है। पठान बॉक्स ऑफिस पर हमेशा के लिए एक हिस्ट्री बना दी है। पठान को लेकर वैसे काफी चर्चे हैं, लेकिन बता दें कि पठान तो अभी शुरुआत है, असली धमाका टाइगर 3 में होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि पठान जिस यूनिवर्स का हिस्सा है वो यूनिवर्स को क्रिएट खुद सलमान ने किया था। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत सलमान खान के एक था टाइगर से हुई थी, फिर टाइगर जिंदा है, फिर वॉर और अब शाहरुख खान की पठान, और इसके बाद बारी है टाइगर 3 की। तो हम आपको इस न्यूज में टाइगर 3 से जुड़ी कई सारी एक्साइटिंग अपडेट देने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आपने पठान फिल्म नहीं देखी होगी तो आगे पठान का थोड़ा स्पॉइलर हो सकता है। पठान फिल्मों में अभी तक तो सबको पता चल गया होगा कि सलमान खान का एक दमदार कैमियो रखा गया है। ये कैमियो कोई छोटा नहीं बल्कि 10 से 15 मिनट का है, जिनमें सलमान खान का एक्शन, उनका लुक आपका दिल जीत लेगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्मों में सबसे ज्यादा सुर्खियां सलमान खान के कैमियो ने बटोरी है, लेकिन इस मिशन के दौरान सलमान खान और शाहरुख खान टाइगर 3 को लेकर बहुत बड़ी हिंट देते हैं। जी बता दें कि जब सलमान खान शाहरुख खान को बचाते हैं, तब सलमान कहते हैं कि मैं आगे एक बहुत बड़े मिशन पे जा रहा हूँ और मुझे तेरी जरूरत पड़ सकती है। इससे कई लोगों को पता चल गया होगा कि शाहरुख खान का टाइगर 3 में कैमियो हो सकता है, क्योंकि सलमान खान ने ऐसा नहीं कहा था कि पठान तेरी जरूरत पड़ेगी, पड़ सकती है, लेकिन बता दे कि टाइगर 3 में शाहरुख खान का कैमियो कन्फर्म है, और उसके लिए शाहरुख खान अगले महीने से फिल्म की शूटिंग भी शुरू करने वाले है, वो भी टाइगर 3 की। और वैसे भी ये देखना एक अलग ही अनुभव होगा जब टाइगर और पठान एक साथ एक मिशन पर जाएंगे। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।